थोड़ा मेरा पानी पिला, सांस फूल रहा मेरा। यहाँ पे थोड़ा एक डॉट है और यहाँ पे पूरा एक कवर करना है इसको। यार स्माइल कर देता हूँ। हाँ ठीक है, स्माइल कर दे। What's up guys? My name is Ganesh Gupta, tattoo artist. मैंने कल 6-7 बजे सोया, रात को कंटिन्यू हार्ड वर्क कर रहा था, पाजी का टैटू कर रहा था, देख सकते हैं। मतलब मैं ये टैटू बनाया, रोज बनाया और एक वॉच बनाया, फिर रोज बनाया, मतलब कस्टमर डिजाइन किया। मतलब मेरे को मिनिमम 6-5 घंटा लगा टैटू करने के लिए, मजा आ गया टैटू करने के लिए। रात में थोड़ा घर पे जल्दी आऊँगा, 6-7 बजे आऊँगा। मतलब मिनिमम मैं 10 दिन से घर पे नहीं गया, थोड़ा मम्मी पापा से मिलता जाके। मतलब मिस तो करता सबको, लेकिन थोड़ा मेरे ड्राइविंग थोड़ा लंबा पड़ता, थोड़ा इसलिए रुक जाता हूँ मैं, और कुछ नहीं। कि एक रोज बाइक टैटू कर रहे हैं, कवर अप टैटू कर रहे ना, देख सकते हैं। भाई भाई आपको क्या हुआ था, इधर क्या हुआ था? अच्छा एक्सीडेंट हुआ था। रोहित भाई थोड़ा इसको कवर अप मतलब फिनिशिंग में करेंगे। आप कहाँ से हो सर? इधर ओके, रोहा से। भाई कैसे हो, कहाँ से हो आप? गुजरात। ओहो, साई के भक्त हो आप? वाह। और ये क्या रुद्राक्ष इधर? चलो ओके डन। आपने कहाँ देखा हमारा वक्त? YouTube पे। ओके, हाय सर कैसे हो? हाय सर कैसे हो, कहाँ से सर आप लोग? पुणे। आपने कहाँ देखा हमारा वर्क? इंस्टाग्राम पे। YouTube नहीं देखते? YouTube भी देखता हूँ। अच्छी बात है। ओ मम्मी का वोटर है? मम्मी का भी, पापा का भी। ऐसा अलग अलग क्यों किया सर, ऐसा कुछ? सर अभी आएंगे, सर भी एक्चुअली रात भर नाइट मार रहे थे, मेरे साथ भी थे और काम कर रहे थे। यहाँ पे थोड़ा एक डॉट है और यहाँ पे पूरा एक कवर करना है, इसको स्लोप देना है अच्छे से। तो रोहित भाई अभी करेगा स्टार्ट। अपने सर का टैटू कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे पिगमेंटेशन किया है, ज़्यादा उसको डार्क नहीं कर सकते क्योंकि वो आगे जाके पैच दिख सकता है, उसलिए डार्क नहीं किया, उसको प्रॉपर मर्ज किया है मूंछों के साथ। कैसा लगा सर टैटू? टैटू एकदम अच्छा निकला, उसका मूंछों के साथ पूरा फिनिशिंग कंप्लीट कर दिया। मैम का टैटू फाइनली हो चुका है, इनका शादी का, कुछ शादी का साल का पता नहीं कुछ। सर नहीं सॉरी, शादी का साल नहीं गिरा, बर्थडे गिफ्ट, बर्थडे गिफ्ट ना। ओके एक बार चेक करो मेरा टैटू कैसा लगा तुम्हारा। तो गाइस जितने भी लोग देख रहे हैं गाइस, तो मैं जस्ट अभी आ चुका हूँ गाइस, टाइम बज चुके हैं 4:30, बहुत लेट आया क्लाइंट, बहुत सारे वेट कर रहे थे, हम बहुत दूर दूर से आए सर, स्पेशली आज हम गुजरात से आए, भैया पुणे से आए, तो उनके भी पोर्ट्रेट है यहाँ पे, अभी स्टार्ट कर रहा हूँ साई बाबा का पोर्ट्रेट। लेट इसलिए हुआ गाइस क्योंकि बहुत ज़्यादा कल रात को ही लेट हो गया था, क्योंकि कल मैं माइक्रो पिगमेंटेशन कर रहा था, जो स्कल का रहता है, जो हेयर्स रहते गाइस, तो परमानेंट हेयर्स बना रहा था क्लाइंट का, तो क्लाइंट भी बिहार से आया था, तो इतना लेट हो गया तो क्या बोल सकते हो, तो नींद पूरी नहीं हो पाई, इसी वजह से मैं पूरी नींद लेके आया हूँ। अभी मेरी हालत देख सकते हैं मेरे चेहरे की, पर मैं अभी कुछ नहीं, कॉफ़ी पी के फिर से रिफ्रेश हो जाता हूँ, मैं स्टार्ट करते हैं आज की अपॉइंटमेंट है। तो फर्स्ट अपॉइंटमेंट साई बाबा का है, तो ओम साई राम। तो गाइस फाइनली टैटू कंप्लीट हो गया था, एक बार क्लीन करके अच्छे से दिखा देता हूँ आपको। सीधे टैटू गाइस, साई बाबा का टैटू आप देख सकते हो कितना प्यारा बनाया, स्पेशली आईज देख सकते हो, मुझे खुद को स्पेशली अच्छा लगा गाइस, मुझे खुद को अच्छा लगा। बियर्ड भी देख सकते हो, अच्छा ओवरऑल मैंने फर्स्ट टाइम पगड़ी ब्लू कर दी गाइस, मैं हमेशा ऑरेंज करता हूँ, मैंने सोचा कि स्किन बहुत ज़्यादा फेयर है तो क्यों ना मैं थोड़ा सा कलर एक्सपेरिमेंट करूँ, पर बहुत ही ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है ब्लू में भी। और यहाँ पे एक रुद्राक्ष है, ये ओम मैंने नहीं बनाया, ये रुद्राक्ष मैंने बनाया। सो सर कैसा लगा टैटू? झकास, यू हैप्पी? एक नंबर, थैंक यू सो मच।
सब जो लोग देख रहे हैं उन लोगों के बारे में क्या बोलना चाहते हो? अभी आओ महेश चौहान सर के पास एक टैटू निकालो, बाकी किधर मत निकालो। थैंक यू सर, थैंक यू, गिव मी हाई फाइव। डाडू कंप्लीट हो गया, इनसाइड जाते हैं। वैसे दो अपॉइंटमेंट्स है फिलहाल, एक लेडीज का पोर्ट्रेट है एंड देन वन मोर जो पुणे से जो स्पेशली सवेरे से आए थे मेरे लिए, उन लोगों का डाडू स्टार्ट कर देगा। वो बेचारे थक गए बेचारे, अभी 5 बज चुके हैं, वीडियो भी अपलोड करना है मेरे को, मतलब बहुत काम है अभी। तो अभी स्टार्ट करते फटाफट। या तो भाई स्टार्ट करते हैं वन मोर अपॉइंटमेंट सर का, द डैड फेस ये वाला। तो गाइस फाइनली टैटू कंप्लीट हो गया था फेस टैटू उनका, और एक टैटू हो गया जो चेस्ट पे उनके मम्मी का फेस है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट, एक बार सिर्फ एक बार दिखा सर को। नहीं जैसा है वैसा। गणेश भाई सदा दे रहे हैं। चलो मैं पानी पिला, सांस फूल रहा मेरा। सर 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 किधर रहते? अभी मैं जा रहा हूँ, चलो सर मैं जाता हूँ। थोड़ा मुझे सर मुझे कैसे निकलो तो एक ही बार निकल दे, मैं कभी दोबारा नहीं आएगा। देखो गाइस एक कह रहा हूँ निकल जा, फिर रोएगा दिन भर, इसको कौन संभालेगा? कोई रोएगा नहीं तेरे, कैसे मान गया? फिर रोएगा, प्यार करेगा आपस, दो दिन का प्यार में बिलेट का, मतलब बिलेट से हाथ भी काटेगा मेरे लिए, ना अच्छा लगता नहीं मेरे को, समझो। और कुछ मतलब कैसे मान गया इसको, मतलब मैं पालता हूँ, मतलब ये मेरे को पालता है ऐसे प्यार में, इसका लंगूटी है पता, समझ रहा हूँ। बचपन बचपन में चप्पल पहनता था, सब कुछ पहनता था, इसके समाता इसके पहनता था। कौन हंस रहे? मैम मैम मेरे पर हंसे, लंगूटी ना अंगूठी लगाई कब? बाल कटने तो गाइस फाइनली दोनों भी टैटू कंप्लीट हो गए सर के, मतलब मॉम डैड का फेस। तो एक बार क्लीन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। सीधी टैटू उनकी मॉम का फेस मैं फर्स्ट दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं एज अ फेस, स्पेशली आईज देख सकते हो ना ये प्रॉपर। यहाँ पे भी डिजाइन मैंने की है, जितना हो सके उतना बेस्ट करने की कोशिश की है। एंड देन वन मोर टैटू उनके डैड का फेस है गाइस, से भी आप देख सकते हैं। सो सर कैसा लगा दोनों टैटू? एक्सेलेंट सर। यू हैप्पी ना? हैप्पी। क्या बोलना चाहते हो मेरे ऑडियंस को? वही बड़े बड़े बना रहे, एक्सीलेंट बना रहे, आओ आप भी बनाओ। थैंक यू सो मच सर, गिव मी हाई फाइव। वन मोर टैटू द लास्ट अपॉइंटमेंट गाइस, सर मैम का टैटू स्टार्ट करते हैं, ये वाले मैम का से हाय। सो गाइस स्टार्ट करते हैं, देन उसके बाद फिर निकल जाएंगे अपने अपने घर। तो स्टार्ट तो मैम कहाँ पे देखा मेरा बाप? अभी जो टिकटॉक बैन हो गया कहीं नहीं देखा, फिर नंबर कहाँ से मिला? सिस्टर है तुझे, कैसे पता मेरा नाम? इंस्टाग्राम। सो ये वो भाई ना, ये आपका भाई है? तो भाई का पोर्ट्रेट बनाने करी थी? वो अभी तो नहीं है मेरे साथ में, ऑफ हो गए हो, तो उसके लिए मतलब मेरे साथ में रहे हो? ओके हमेशा। हाँ ओके, सो स्वीट। कैसे हुआ है भाई का, अगर कुछ बता सकते हो? पर्सनल्स हार्ट अटैक। ओके ये कभी हुआ? रिसेंटली हुआ कब? अभी इसको एक डेढ़ साल हो गया। डेढ़ साल हो गया। ओके कंफर्टेबल ना?
सो गाइस फाइनली टैटू कंप्लीट हो गया मैम का, तो एक बार क्लीन करके अच्छे से दिखा देता हूँ। उनके भाई का फेस टैटू है, सो आप ओवरऑल देख सकते हो। एक मिनट लाइट थोड़ी सी सेट कर देता हूँ, अभी परफेक्ट आएगा। सो गाइस आप देख सकते हो ओवरऑल डिटेल। सो मैम कैसा लगा टैटू? बहुत अच्छा लगा। यू हैप्पी? हैप्पी। क्या बोलना चाहते हो अपने भाई के बारे में? खुश रहो, मेरे पास पापा जल्दी आ जाए। हमेशा खुश रहो मैम, और कुछ नहीं। गिव मी हाई फाइव।